नुकसान को जो आज थर्ड स्टैंडर्ड यूपीएस के एडवोकेट के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल हॉस्पिटल से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर थर्ड स्टैंडर्ड यूपीएस के एक नए वीडियो से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक। जिसका उन्वान है जमाने की पहचान अंडरस्टैंडिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं जमाना। जब हम जमाने की बात कहते हैं तो बच्चों आपको याद रखना है जमाने तीन किस्म के हैं, वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट याने जमाने हाल, पास्ट याने माजी और फ्यूचर याने मुस्तकबिल। मिसाल के तौर पर जैसे आप इस वक्त तीसरी जमात में हैं, तो ये आपका प्रेजेंट है यानी ये आपका जमाने हाल है। लेकिन इससे पहले आप छोटे थे, आपका बचपन का जमाना था, उस जमाने को हम पास्ट कहते हैं जो कि माजी कहलाता है। और कई साल गुजरने के बाद जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका मुस्तकबिल यानी फ्यूचर होगा। यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को आप जानते हैं, ये है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। अब यहाँ पर दो तस्वीर और आ गई हैं, एक बच्चे की तस्वीर है और एक बूढ़े शख्स की। तो जो बच्चे की तस्वीर है वो विराट कोहली का बचपन है यानी वो माजी का जमाना है, और जो बूढ़े आदमी की तस्वीर दिख रही है वो विराट कोहली के मुस्तकबिल की एक फर्जी तस्वीर है कि शायद बूढ़े होकर विराट कोहली इस तरह से नजर आएंगे। तो हर शख्स की जिंदगी में ये वक्त होता है कि वो बचपन से लेकर बड़ा होता है और बड़े होने के बाद बूढ़ा हो जाता है। तो जमाने को हम इसी तरह समझ सकते हैं, जमाने हाल, माजी और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम जमाने की बात करें तो सबसे अहम चीज होती है कैलेंडर। यहाँ पर हमारे सामने एक कैलेंडर है जिसमें जुलाई 2020 ये दिखाया जा रहा है, जो कि अभी महीना चल रहा है जुलाई 2020 का। इस महीने में अगर हम देखें तो 31 दिन है ना? जुलाई महीने की शुरुआत 1 जुलाई बरोज बुध के रोज हुई और जुमा के दिन 31 जुलाई को इस महीने का आखिरी दिन होगा ना। कैलेंडर तो आपने देखा ही है, कैलेंडर में आमतौर से जो संडे का दिन होता है या जो छुट्टियां होती है उस दिन रेड कलर से लिखा होता है। आज कितनी तारीख है? आज 18 जुलाई है जब हम ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। 18 जुलाई को कौन सा दिन है? तो 18 जुलाई को शनिचर का दिन है। तो शनिचर का दिन अगर 18 जुलाई को है, मीन्स टुडे इज सैटरडे ऑन 18 जुलाई, तो कल कौन सा दिन होगा? व्हाट डे विल बी टुमारो? तो जाहिर सी बात है कल संडे होगा ना? इसी तरह जब आज आप तीसरी जमात में पढ़ रहे हैं, जब आप पहली जमात में थे तो वो कौन सा साल था? तो हमें सोचना पड़ेगा कि जब आप पहली में थे तो आप 2018 में जब आपने एडमिशन लिया तो आप पहली जमात में थे, फिर 2019 में आप दूसरी जमात में थे और 2020 के जुलाई में आप इस वक्त तीसरी जमात में हैं। ये हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? कैलेंडर की मदद से। बच्चों क्या आप जानते हैं आपकी तारीख पैदाइश क्या है? तो आपको अपनी तारीख पैदाइश भी याद होना चाहिए। तारीख के ताल्लुक से जब बात चल रही है तो उसमें अखबारात भी काफी अहम होते हैं ना? आपने देखा होगा आपके स्कूल में, आपके घर पर अखबार रोजाना आते हैं, लेकिन एक दिन का अखबार कल पुराना हो जाता है। जब हम वक्त की बात करते हैं तो जमाने के वक्त के लिए हम घड़ी की भी बात करनी होगी। आजकल हम जो घड़ियां देख रहे हैं वो तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन पुराने जमाने में इस तरह की घड़ियां हुआ करती थी।
जब मशीनों की इब्तिदा नहीं हुई थी, मशीनों की शुरुआत नहीं हुई, तो इस तरह से आप घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पानी को एक बर्तन में इस तरह से लिया जाता था कि वो बर्तन धीरे धीरे खाली होता था। इसी तरह कुछ जमाना गुजरने के बाद जब लोगों ने गौर किया तो घड़ियों के नए नए तरीके इख्तियार किए। जैसे यहाँ पर ये घड़ी दिखाई दे रही है जिसमें एक बड़ी सी सुई लगी हुई है और सूरज के आगे बढ़ते हुए वक्त की वजह से उसका साया जहाँ पर जा रहा है वो वक्त की पैमाइश हुआ करती थी, इसे शमशी घड़ी कहा जाता है ना। उसकी एक मॉडर्न शक्ल इस तरह से है जो आज भी बहुत सारी जगहों पर म्यूजियम वगैरह में होती है कि जमीन के ऊपर इस तरह लाइन से बना दी जाती है और सूरज जब आगे बढ़ता है, सूरज सुबह से निकलकर दोपहर होते हुए शाम तक आगे बढ़ता है तो उसमें वक्त की पैमाइश होती है। उसके बाद ये तीन घड़ियां और हैं जिसमें ऊपर एक रेत घड़ी है और नीचे की दो घड़ियां तो हम जानते ही हैं, है ना। एक घड़ी वो होती है जिसमें सुइयां होती है और एक डिजिटल क्लॉक। तो इस तरह से ये वक्त की पैमाइश के लिए घड़ियां, तारीख, कैलेंडर, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल। बच्चों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।